वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी मॉर्निंग से। आज है हमें बहुत सारे काम मुझे कब नहीं होते, मुझे हमेशा काम होते, लेकिन आज बड़े हैक्टिक काम है। आज मैं उठ भी चली गई हूँ, मैं 5:30 सोई थी। हमेशा मैं सोने उठने का बताती हूँ, क्योंकि प्रॉपर रूटीन से ब्लॉग शेयर करना होता है ना, मैं सब चीज़ें बता रही होती हूँ। दैट्स वाई 5:30 सोई थी, 10:30 उठ गई हूँ। अब मुझे निकलना है थोड़ा बाहर, जो कुछ काम है अपने वो वाले कंप्लीट करने हैं, वाइंड अप करने हैं। उसके बाद मुझे सारी चीज़ें पैक करनी है जो पीछे आपको इधर उधर नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमारा है पोस्ट वेडिंग शूट एंड आई एम सो एक्साइटेड। हमारे पैकेज में था ये भी, तो मुझे वो करवाना है, क्योंकि फिर आगे रमज़ान है, तो रमज़ान में फिर टाइम नहीं मिलेगा। आज मुझे काम वाइंड अप करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो नाउ। घर में सारी चीज़ें अभी पैक करनी है, रूम इतना ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा है। यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:45 और बहुत सी चीज़ें करने वाली हैं, तो बस जल्दी जल्दी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ और फट से सारा काम करते हैं। बैग को हम नीचे रखते हैं। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। ये वसीम का ड्रेस है, वो मेरा है जो मैंने पहनना है। ये बैग, इसमें कुछ शूज़ वगैरह हैं। यहाँ पर अब रूम जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैंने सोचा मैं फ़्रेश होकर आ जाऊँ फिर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँ जी। तो ये कंडीशन है, अभी अभी मैं आई हूँ बाहर से और सामान वगैरह पैक है, कुछ चीज़ें रख ली हैं यहाँ पे, खाने पीने वाली हैं कुछ, और मुझे बस अभी रेडी होना है और फिर मुझे निकलना है। मैंने अपने बाल भी जो है वो बनाने थे, लेकिन अभी लाइट ही चली गई है, तो मैं देखती हूँ अभी क्या करना है। बस अभी बैग वैग सारे करते हैं साइड पर और रूम को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, और फिर हम लोगों ने जो है ना वो निकलना है। एक मिनट, ये वसीम, ये बैग है, इसमें कुछ डेकोरेशन के आइटम्स हैं, उसमें शूज़ हैं, उसमें भी शूज़ हैं, ये वसीम के कपड़े हैं, ये मेरे हैं, वो खाने पीने की चीज़ है। तो ये सारा ना अभी मैं जल्दी से वाइंड अप करती हूँ और मैं रेडी होने शुरू होती हूँ। 6:30 बज रहे हैं, हमें 8:30 तक निकलना है, तो मुझे वैसे भी थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। वसीम आते हैं तो बस चेंज वेंज करके फिर निकलते हैं। मैं फ़ोन चार्ज पर लगा लूँ, फ़ोन भी चार्ज लगा लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा ग्रे लगाऊं या ब्राउन लगाऊं, तो इसमें मैं अभी थोड़ी कंफ्यूज्ड हो रही हूं कि कौन सा लगाऊं। मशवरा लेती हूं मैं सबसे, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लग दोनों ही अच्छे रहे हैं और ये है भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। ये मैंने अपने वलीमे पर लगाए थे ग्रे वाले, और ये वाले मैंने अपनी बारात पर लगाए। तो मैंने पहने हैं ये फिर ग्रे वाले लेंस, क्योंकि ब्राउन वाले मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा पहन लिए, तो अगर ठीक लगेंगे पिक्चर्स में तो पहन लूँगी, वरना उतार दूँगी। मैं मेकअप करने लगी हूँ, आईब्रोज मैंने फिलअप की थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ। एवरीवन, सो अभी हम लोग रेडी होके निकल आए थे और मैं अभी डायरेक्ट आई हूँ स्नैपन्स पर, बिकॉज इतना टाइम नहीं मिला मुझे। सो वी आर एट स्नैपन्स, हम लोग स्नैपन्स आ गए थे बिकॉज हमारा पोस्ट वेडिंग शूट भी जो है वो स्नैपन वाले ही कर रहे हैं। स्नैपन की टीम बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और स्टिल अभी तक हमारे साथ शाजिब भाई और पूरी टीम बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करी है। जल्दी जल्दी में मैं रेडी होकर निकली, लिटरली मुझे बताने का भी टाइम नहीं मिला कि मैंने क्या पहना है, कहाँ जा रही हूँ, क्या है। तो ये ब्लॉग मेरे ख्याल रमज़ान के बाद आएगा, रमज़ान से पहले आएगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन ये रमज़ान से पहले शूट हो रहा है तो आएगा ऑब्वियसली रमज़ान के बाद ही। तो अभी मैंने ये रॉम्पर पहना है, वसीम गए हैं रेडी होने के लिए, रेडी हो गए हैं यहीं पे, तो वो अपनी हेयर स्टाइलिंग वगैरह करवा रहे थे, जब तक मैंने सोचा कि आज आप लोगों को स्नैपन्स भी दिखा देते हैं। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं स्नैपन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो ये है ऑटोबान पे, तो मैं आपको, सो लेट मी शो यू, ये है इनका ऑफिस और यहाँ पे हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, और ये हैं शाजेब भाई। शाजेब भाई आए हमारे, इट्स सो सिंगर है। थैंक यू स्नैपन्स, थैंक यू कायनात एंड वसीम। लाइए कैंडल लगा लो, कैंडल भी स्नैपन्स के बीच में छुरी चलवा दी है, ये चलाए ना पहले। अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे मैंने बर्थडे में जाना, आपकी बर्थडे में चल पहले वो वाली सर, चले चले जाए। क्लैप क्लैप यार, बन रही है। हम तो वहाँ शॉर्ट लेते हैं। और लेने भाई, मेन्यू में क्या है आज?
जी हाँ बस चलें जी हाँ इट्स ओके वेलकम। गाइस मैं आई हूँ अभी कुर्तोज़ पे, यहाँ पे शूट है और कुर्तोज़ वालों ने स्पॉन्सर किया है हमें शूट, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है फॉर शूटिंग। अगर आपको शूट करना हो तो बहुत अच्छा यहाँ पे हो सकता है, सेटअप बहुत अच्छा है, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात कि इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको बर्थडे इवेंट करना हो या कोई भी शूट करवाना हो तो आप जो है वो कुर्तोज़ आ सकते हैं, लाइक बहुत अच्छा जो है ना वो सेटअप। और वैसे मैंने अपने बहुत से ब्लॉग्स में बताया हुआ लाइक कुर्तोज़ जो है ना वो मेरा एक मोस्ट फेवरेट प्लेस है हैदराबाद में, और इन्होंने फाइनली हमें कहा कि आप आएँ शूट कर सकती हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम लोगों का शूट सेटअप स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको टीम दिखाती हूँ, टीम आई है मेरे साथ, वो रहे ग्रूम और वो रही टीम, और बस अभी थोड़ी देर में जो है ना हमारा शूट स्टार्ट हो जाएगा। फूड मैंने ऑर्डर किया है तो मैं आपको इनका किचन भी विजिट करवाती हूँ और इनका जो है ना वो सेटिंग सेटअप भी विजिट करवाती हूँ कि किस टाइप का है। ओवरव्यू आपको नहीं दिया होगा शायद कभी किसी ने कुर्तोज़ का, तो मैं आपको जो है ना वो एक प्रॉपर वहाँ से यहाँ तक दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये है इनका सेटिंग एरिया। जैसे ही आप एंटर होते हैं यहाँ पे सामने है मूड फॉर फूड, ये वाला इनका सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से क्लॉक लगाया हुआ है, ठीक हो गया जी। ये एक छोटा सा सेटिंग सेटअप है, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे बहुत लाइक डेकोरेटिव एंटीक सा जो है ना इन्होंने सेटअप किया हुआ है। एक सेटिंग सेटअप ये है, बिल्कुल जैसे ही आप एंटर होते हो उसके सामने इनका सेटिंग सेटअप है, और यहाँ पे ये इनके सेटिंग है, और यहाँ पे ये लोग जो है वो शूट वूट की तैयारी कर रहे हैं अभी, और मैं आपको जो है ना वो ओवरव्यू दे रही हूँ। और ये यहाँ पे इनका जो है ना ये पिक्चर स्पॉट है, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह अक्सर लोग आते हैं क्लिक करते हैं, और यहाँ पे टीम जो है वो स्टार्ट कर रही है। ये हमजा है, वो वसीम है, और यहाँ पे जो है ना ये पूरा सेटिंग प्रोसेस चल रहा है शूट वूट का। अच्छा जी, तो मैं आपको इनका किचन विजिट करवाती हूँ, ये है, और यहाँ पे सारी जो है ना वो ड्रिंक्स व्रिंक्स लगी हुई हैं, और बहुत ही साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे इस तरीके से है ये इनका पूरा प्रॉपर किचन है, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत एंटीक, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये इनका काउंटर है जहाँ पे स्मूथीज़ वगैरह या आइसक्रीम्स वगैरह कॉकटेल्स वगैरह रेडी होते हैं लाइक दिस। मैं थोड़ा वाइड एंगल में चाहती हूँ। मैनेजर कौन है यहाँ की? अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा आप यहाँ के मैनेजर हैं, कितना टाइम हो गया आपको? दो साल हो गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का हैदराबाद? अच्छा, और बनाया भी आप लोगों ने बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों की फर्स्ट ब्रांच है या और भी कहीं पहले ब्रांच रही है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, आपका सेटअप भी बहुत अच्छा है, मैं पहले भी यहाँ पे बहुत टाइम विजिट किया हुआ है, तो मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये है इनका कंप्लीट सेटअप। इनके पास लाइटिंग बहुत अच्छी है, लाइक अगर आपको कोई इवेंट करना हो, बर्थडे करनी हो, कोई पार्टी करनी हो, गेट टुगेदर करना हो, गैदरिंग करनी हो, उसके लिए कुर्तोज़ बहुत अच्छी, लाइक एक क्लब वाली लोकेशन भी आती है यहाँ पे, और उस तरीके की वाइब भी आती है जैसे आप फुल पार्टी और चल जो है ना वो सीन कर रहे हो। तो यहाँ से मैं आपको वाइड एंगल में दिखाती हूँ, ये है ऐसे पूरा सेटअप। तो अभी हम चलते हैं अपनी टीम की तरफ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेट मी शो, ये यहाँ पे इनका शूट चल रहा है और ये इनका सेटिंग सेटअप है। बहुत ज़्यादा नियॉन लाइट्स हैं तो मेरा वीडियो सही से नहीं आ रहा होगा, बट ये इनका जो है ना वो फोटो स्पॉट है और पीछे शूट चल रहा है, तो नियॉन लाइट्स लगी हुई हैं तो मैं सही से कैप्चर ही नहीं हो पा रही। अरे ऐसे नहीं, हाँ सही, करो करो करो, दोनों आसे साइड करो, दोनों आसे साइड। वापस आओ, ये प्लेस हो जाता है।
कौन डीजे? वाओ ये तो था ही नहीं। कौन था ये? बातें भी करो ना आपस में ऐसी। लेके आओ ओके जी। तो हम लोग यहाँ से निकले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। तो स्टाफ इनका बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। आप कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ से हमारे शूट वाइंड अप हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं दरान। दरान पर हमारा शूट है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुर्तोज वालों के साथ। स्टाफ बहुत अच्छा है हर चीज़। तो बस सभी कार रेडी है, हम लोग निकल रहे हैं। मैं नीचे उतरूँ। लोकेशन हमारी कैंसिल हो गई क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। नहीं, मैं चाय नहीं पी रही, बाय द वे मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। हम लोग बहुत लेट हो गए तो दरान वालों की लाइट्स वाइट सारी ऑफ हो गई थी, उसकी वजह से हम लोग वहाँ नहीं शूट कर पाए। वे आर रेस्ट कर रहे हैं और टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 3:15। अब यहाँ से निकलेंगे, कराची शूट करेंगे, फिर मे बी अगर वहाँ पर कोई लोकेशन मिल जाती है तो वहाँ पर कर लेंगे, वरना लेट्स सी। मैं आपको दिखाती हूँ। सब लोग यहाँ खा मोबाइल यूज करने में बिजी। कदम ये चले रुके उसी के वास्ते दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। अच्छा जी, तो सेकंड लोकेशन पे भी हमारा शूट जो है वो टर्न हो गया है। हाँ, आराम से जा रही हूँ और ये फर्स्ट टाइम मैं इस लोकेशन पे आई हूँ। मुझे इतना पता नहीं है कौन सी है, लेट मी शो यू। ये है लोकेशन। कौन से वाले पे जाना है? हेलो वसीम, क्या हालात हैं आपके अभी? बुरी तरह से मैं थक चुका हूं। ये बेचारे सुबह कल सुबह 7 बजे से जाग रहे हैं और अभी हमारी भी हालत हो गई। क्या कह रहे हैं? ये बेचारे। हाँ, तो ये बेचारे हुए सुबह 7 बजे से जाग रहे हैं। आप लोग सब लोग नींद पूरी करके आए हो? कौन आप लोग? मैं जो आया हूँ डायरेक्ट प्रोग्राम में से आया था। दूसरे इवेंट करके उससे पहले नींद तो पूरी थी ना आप लोगों की? शाम में उठ के आए हो आप लोग? ये है लोकेशन रेवल ऑफ बागे इब्ने कासिम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अलॉन्ग विद। ये है बहुत अच्छी लोकेशन है। सो हम लोग अभी आए हुए हैं सी वी यू शूट के लिए। पहले हमारा शूट था कुर्तोज पे, देन फिर हमारा हुआ दरान पे करना था, वो मिस हो गया हमसे क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था कुर्तोज पे। फिर वहाँ से रात को निकले हम लोग, कराची आए, यहाँ पे शूट करवाया है जो मैंने पार्क आपको बताई पहले वाले क्लिप में। अभी हम लोग आए हैं सी वी यू पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। सुबह का टाइम इसीलिए रखा क्योंकि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग करना था, बट करते 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 काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हमें।
और बस फिर क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। पता नहीं यहाँ पे शूट करना अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस वाले खड़े हैं। अब करने दें वरना थक जाएंगे। वैसे बहुत थके हुए हैं, कल से जागे हुए हैं और उसके बाद से जो है ना वो नहीं सोई हूँ। और अभी धूप भी मुँह के ऊपर आ रही है। पीछे तो किधर रह गई, ये देखें कहाँ से आ रही। तो इनसे मिले, ये भी स्नैपन्स के टीम मेंबर हैं। क्या करते हो तो ईद आप? मैं ड्रोन ऑपरेटर। ये ड्रोन ऑपरेटर हैं। हमारे सारे शॉट्स इन्होंने लिए। शादी पे आपने लिए थे? नहीं, शादी पे नहीं था। शादी पे नहीं था। आज हमारे पोस्ट वेडिंग शूट पे जो है ना वो आया है हमारे साथ तोहीद। तोहीद कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आपको नींद नहीं आ रही? नहीं, नींद हमें तो बहुत। अच्छा, पूरी कर गया। कितने बजे उठे थे आप? मैं 6 बजे उठा। शाम पे 6 बजे? जी। हेलो, सोए कब थे फिर आप? सुबह 6 बजे भाई। फिर भी पूरी करके आए हम सिर्फ 4 घंटे। वो पीछे देखें कितने आराम से आ रहे हैं, जैसे इनको हमने दावत पे बुलाया है और हम दोनों बेचारे सिर्फ शूट करवाने आए हैं और काम करने आए। वो लोग कितना मस्त होके आ रहे हैं कि कोई फिक्र नहीं है। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा तो ही हमें? यहाँ 2 घंटे। अल्लाह। और उसके बाद फिर क्या प्लान है? उसके बाद फिर हैदराबाद। एक हमारे यूट्यूबर था, पहले चैनल था, अभी तोहीद से मैं बातें करी तो मुझे पता चला। अभी तोहीद फिर कब बना रहे हो? इंशाल्लाह ईद के बाद। ईद के बाद पक्का है? डन है, फिर आपकी प्रमोशन करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, आपका इंटरव्यू मैं लेने आऊंगी। सही है फिर? ठीक है भाई। अभी ये तोहीद का चैनल जैसे बनेगा फिर हम आपको बताएंगे। वो अभी भी जैसे पीछे मेहमान नहीं आ रहे होते, ये आप देखे उन्हें कितने मजे से आ रहे हैं। हाँ, हम फास्ट वाला यूज करते हैं इसलिए हम जो है ना वो जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं। ये सलमान भाई कुछ ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, बट मिल रही नहीं, बट मिलेगा नहीं आपको। ये देखे मिल गई एक, वो मिल गया उन्हें। देखो उनको फर्स्ट शॉट में मिल गया। नहीं, उनको फर्स्ट शॉट में मिल गया। देखो हाँ, तो उनको फर्स्ट शॉट में मिल गया। अच्छा, अब ये ढूंढ रहे थे क्या करेंगे इसका, लॉकेट बना के देंगे उन्हें। पर मोती तो नहीं निकला इसके अंदर। जी, हम यहाँ शूट कर रहे थे और हमें समंदर से एक चीज मिली है, वो हम दिखाते हैं आपको। सलमान भाई क्या मिला है हमें? दिखाएं यहाँ, दिखाएं। ये देखें, ये हमें मोती मिले समंदर के। क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ। इनको नहीं पता क्या कहते हैं, इनको बताओगे भाई क्या मिला है यहाँ से? इनको भी नहीं पता, ये भी बात नहीं करेंगे। भाई आप बताएं, भाई क्या मिला हमें यहाँ से? सलमान भाई की वाइफ के लिए उनको लॉकेट बनवाना था, वो मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, हम यहाँ शूट कर रहे थे, सलमान भाई को डायमंड मिला यहाँ से। सलमान भाई दिखाएं। नहीं, सीपी ये देखो इसके अंदर। अच्छा, सीपी ये सीपी क्या होती है? अच्छा, दिखाओ ना यहाँ पे क्या कहते हैं थे। हाँ जी व्यूवर्स, हम यहाँ शूट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ नहीं, कराची में शूट कर रहे हैं। कल रात 11 बजे से। और अभी इम्मी भाई टाइम क्या हो रहा है आप बताइएगा? तकरीबन 9:30 और हम लोग रात से शूट कर रहे हैं। कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है और सोए भी नहीं है। सोए भी नहीं है, पानी भी चाहिए। मेरी नींद पूरी है वैसे। हाँ जी व्यूवर्स, अब हम करने जा रहे हैं शूट में कुछ अलग, कुछ नया। ये है हमारे पास कलर स्मोक, जो कि हम डन। ये BTS चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप में। आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, उनका चेहरा दिखा दो, स्पेशली सलमान भाई का। फोकस करके दिखाना, सही है ना? सेट बन गया सलमान भाई, सेट बन गया आपका? जल्दी कदम उठाएंगे तो बन गया। और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है भाई, मैं आपको शूट करवाना, धूप में नहीं करवाया। ये इनसे कलर स्मोक नहीं जल रहा। सारा स्मोक मेरे पास आ रहा है। हमारा पहला शॉट जो था वो हो गया है खराब। अब हम दोबारा स्मोक वाला शॉट कर रहे हैं, देखें आप।
सारी हालतें थी अच्छी। अब आप हालत देखें कैसा लग रहा है उसकी हालत हो गया हमारा वो बहुत बुरा हाल क्या हम लोग है कौन नहीं वो लोग जानते हो बहुत टाइम से हमारे चैनल जानते नहीं आ रहे मैं हाँ हाँ अभी हालत देखो कितनी गंदी हो रही है हाथों पे मट्टी पाँव पे पट्टी आपके भी आप भी देखो काम करने आए ना हाँ हम काम करवाने आए तो फिर ऐसा ही होगा ना बहुत गंदी हालत होगी पाँव देखे कितने गंदे हो गए शाबे भाई ये शॉपर तो उठा लें ये फूल वाली शॉपर ऊपर रखी हुई है शकल पे जो है ना वो 12 बजे हुए और हम लोग कंटिन्यूसली कल से जाग रहे हैं लाइक 10:30 में उठे उसके बाद नहीं सोई अभी टाइम देखे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और 11:45 हो गए अभी हम लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए नाश्ता करके वापस निकलेंगे बिकॉज कल से जो है बहुत सारे काम हैं और जॉब भी है टीम की तो बस आज संडे था आज सारा हम लोगों ने वाइंड अप किया रमज़ान से पहले का शूट है मे बी ब्लॉग जो है ना वो रमज़ान में है क्योंकि एडिटिंग वगैरह बहुत से ब्लॉग्स जो है वो पेंडिंग है अभी यहाँ नाश्ता हाँ हाँ ये हम सब नाश्ता करने लगे हैं इस घर हम लोग आ गए और घर हम लोग को आ गए थे 6 बजे मैं चेंज वगैरह किया है फ्रेश वगैरह हूँ कलर आप में देख मेरा देखें कितना डिम हो गया बहुत ज़्यादा सनसेट था और बहुत ज़्यादा धूप थी जिसकी वजह से ये हालत हो गई लिटरली बोला भी नहीं जा रहा तकरीब पूरे 2 दिन से 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ पूरे 2 दिन हो गए आज 48 आवर्स हो गए और दिमाग ना ऐसे ऐसे घूम रहा है कितना शादी पे भी नहीं थकी थी जितना मैं ये पोस्ट वेडिंग के शूट में जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली जागी हूँ शादी में तो चलो सुबह शादी है तो रात को सो गए मैंने सोचा कि यार व्लॉग को मैं एंड कर दूँ एंड मैंने किया नहीं इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं भी थकी हूँ सीन भी बहुत थक गए टीम मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा थक गए बट हमने बहुत मज़ा किया बहुत इन्जॉय किया शादी से ज़्यादा पोस्ट वेडिंग में मज़ा आया बड़ी चिल थे रिलैक्स थी और टीम भी बहुत अच्छी थी टीम के साथ हमने खूब मस्ती मजाक गपशप की और भाई वैसे ही बहुत अच्छा है जो ऑनर हैं स्नैपन्स के और सलमान भाई गए थे जो फोटोग्राफर थे बड़े फ़नी हैं सलमान भाई जितना फ़नी फोटोग्राफर मैंने आज तक कभी नहीं देखा बहुत अच्छा है उन्होंने बहुत इन्जॉय किया हमजा तो शुरू से ही हमारा फेवरेट है तो बड़ा मज़ा आया खैर सबके साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ी मस्ती की बड़ा मज़ा किया इन्जॉय किया एक छोटी सा हमारा गेट टुगेदर हो गया ट्रिप हो गई और मैं बस इस व्लॉग को एंड करती हूँ और फिर बाकी वैसे ही रमज़ान शुरू हुई है व्लॉग रमज़ान के बाद ही जाएगा क्योंकि पहले वाले व्लॉग जाएंगे तो ये वाला व्लॉग आएगा तो अब रमज़ान में आता है रमज़ान से पहले आता है कुछ नहीं पता जब मुझे टाइम मिलेगा मैं एडिट करके पोस्ट करूँगी पोस्ट वेडिंग के शॉर्ट्स और पिक्चर्स वगैरह इंस्टाग्राम पर जैसे मुझे मिलेंगी मैं अपने साथ शेयर करूँगी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय अब मैं सोती हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।